है, अगर ये दिग्गी राजा कांग्रेस में ना हो तो कुछ भला इनका हो सकता है। तो मिस्टर बंटाधार के नाम से चर्चित व्यक्ति है जो खुद बंटाधार करके बैठा कांग्रेस का, वो दूसरों को सलाह ना दे। दिग्गी राजा जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भाजपा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हो? हमको तो ऐसे ही लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। जो दिग्गी राजा है, आतंकवादियों को जी कह करके बुलाने वाला आदमी जब तक कांग्रेस में रहेगा तब तक उसका बंटाधार करता रहेगा, और इसीलिए दिग्गी राजा को मिस्टर बंटाधार कह करके बुलाया जाता है। वे पहले आपस में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करे, उसके बाद में किसी के ऊपर लांछन लगाए। ना इनके पास में विधायकों से मिलने के लिए समय था, ना कमलनाथ जी के पास में विधायकों से मिलने के लिए समय था। अगर कोई कार्यकर्ता टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इनके तो विधायक इनको छोड़ करके चले गए, तो इसमें किसका दोष होना चाहिए? कि कमलनाथ और दिग्गी राजा दोनों मिल करके आपस में बंदर बांट कर रहे थे, तो विधायक इनके इनको छोड़ करके चले गए हैं। अगर ये दिग्गी राजा कांग्रेस में ना हो तो कुछ भला इनका हो सकता है। तो मिस्टर बंटाधार के नाम से चर्चित व्यक्ति है जो खुद बंटाधार करके बैठा कांग्रेस का, वो दूसरों को सलाह ना दे। दिग्गी राजा जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भाजपा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हो? हमको तो ऐसे ही लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, और इनके छाती पर मुंह दलता रहूंगा। दादा कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है कि उनकी उज्जैन आते से मती मारी गई, क्या कहेंगे? ऐसा है इसलिए आप बार बार मुझे उज्जैन आने का मौका दें ताकि मैं महाकाल के दर्शन कर सकूं, हर सिद्धि माता के दर्शन कर सकूं, उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम पर जा सकूं, भैरव बाबा के दर्शन कर सकूं। बार बार मुझे मौका ईश्वर दे। कांग्रेस में इस बार नए चेहरों को मौका मिलेगा? निश्चित मिलना चाहिए। दादा जिस प्रकार कांग्रेस में दो बागी होकर कांग्रेस में वापस आए थे, ये सब बातें अनुशासन समिति तय करती है। अगर बागी लोग कांग्रेस में वापस आ गए हैं उनको उतने ही अधिकार है दूसरों को। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तीसरी पार्टी भी मध्य प्रदेश में पैर पसारती नजर आ रही है, आम पार्टी। ये देखिए, लड़ाई कांग्रेस भाजपा में है, बाकी जो हैं वोट कटाऊ पार्टी हैं। ये सरकार बनाने और जीतने के लिए लड़ रही है, केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। दिग्विजय सिंह जी को आप क्या मानते हैं राजनीति के? क्या दिग्विजय सिंह जी, मेरा सोच मेरा विचार ये कांग्रेस के कोरोना है, और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। अभी जो बचा खुचा है दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस बची उसका ही बंटाधार कर देंगे। मैं तो कहता हूँ महाकाल इनको सद्बुद्धि दे कि उस पवित्र स्थान को वो अछूता रखे इनकी टिप्पणियों से। ये मेरी याचना है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, और इनके छाती पर मुंह दलता रहूंगा। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, और इनके छाती पर मुंह दलता रहूंगा।